हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के जो यह वीडियो है ज़बरदस्त होने वाली है। ज़बरदस्त फ़ायदा आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इस पौधे के। ये देख लीजिए, पलाश के पौधे की तरह दिखते हैं इसके पत्ते। इस प्रकार से हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। और ये भारत के समस्त उष्ण कटिबंधी जैसे कि हिमालय क्षेत्र हैं, आर्ध पर्वतीय क्षेत्र हैं, वन है, वहाँ पे पाए जाते हैं। ये कंदयुक्त पौधा है, इसमें कंद होते हैं। इसके पत्ते हाथी के कान के जैसा दिखाई देते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इसलिए इसे कई जगह हाथी कान के नाम से जाना जाता है और कई जगह इसे हस्ती कर्णा के नाम से जानते हैं। ये हाथी के कानों की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसे हस्ती कर्णा कहा जाता है। तो इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके आयुर्वेदिक फायदे कुछ इस प्रकार से हैं, ये विस्तार से जानते हैं। अगर आप इस प्रकार के जड़ी बूटी पेड़ पौधों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर आज ही जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है। कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आते हैं। आप लोगों को जो भी हम प्राकृतिक उपचार सिखाते हैं स्वयं नहीं करना चाहते तो दूसरे को बता सकते हैं। हमारे वीडियो को देख करके आप भी घर का वैद्य बन सकते हैं, अपने लाखों रुपए को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। हमारे इस वीडियो का मकसद है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, हर कोई आयुर्वेद की जानकारी को धीरे धीरे सीखे। लोग वैद्यों के पास जाते हैं अपनी बीमारी के उपचार कराने के लिए, वैद्य दवा तो दे देते हैं लेकिन उस दवा का नाम नहीं बताते। लेकिन हम अपने चैनल में आप सभी को पेड़ पौधे की जानकारी सिखाते हैं, उनका नाम बताते हैं, उसका प्रयोग बताना सिखाते हैं। तो चलिए जानते हैं हस्ती करने की कुछ आयुर्वेदिक फायदे को। तो ये गले संबंधी बीमारी को ठीक करते हैं। इसके जड़ को तंडुलोदक से पीस करके, तंडुलोदक मतलब जो बड़ा वाला सिलोट में रहता है पत्थर, उसे हम तंडुलोदक के नाम से जानते हैं। या बड़ा वाला जो सिलोट वाला पत्थर ले ले और इसे जो पत्ते हैं इसके पीसे और गले पर लेप करें तो गले संबंधी बीमारी हस्ती सुन जो है हस्ती करना का पत्ते का प्रयोग करने से गले संबंधी ग्वाटर संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। गलकंड की बीमारी आयुर्वेद की भाषा में जिसे हम घेंगा भी बोल सकते हैं वह ठीक हो जाते हैं। टीबी के रोग में 1 ग्राम हस्ती करना के जो कंद होते हैं इसके चूर्ण में संभाग की मात्रा में गुलेव का चूर्ण मिलाकर के सेवन करा दिया जाए तो यह कितना भी पुराने टीबी का बीमारी हो इसका शमन कर देते हैं, नाश कर देते हैं और आप भी पहले जैसे स्वस्थ जिंदगी जीवन जी सकते हैं। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, और भी इसका बहुत सारा फायदा बताने जा रहा हूं जो कि आपको जिंदगी भर काम आएंगे। बहुत से लोग अब देखेंगे पेटों के दर्द से परेशान रहते हैं, इधर उधर की दवा करते हैं, तो एक काम करें इसके पत्ते का साग बना करके सेवन करें तो पेट में होने वाले दर्द ठीक हो जाते हैं। अगर खून निकलता है योनि से या शौच करते टाइम तो इसके कंद को मधुरस के साथ में घिस करके लेप करने से खून निकलना बंद हो जाते हैं। इसके कंद का काढ़ा बना करके जोड़ों पर फवारा देने से जोड़ों में होने वाले दर्द ठीक हो जाते हैं। गठिया में दर्द हो रहे हैं तो 15 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में इसके कंद के काढ़े में 1 ग्राम मान कंद का चूर्ण मिला करके सेवन करने से गठिया के दर्द ठीक हो जाते हैं। और अगर किसी को दाद हो गए, अंतिम फायदे के रूप में बता दूं तो इसके जड़ को पीस करके लेप करने से पुराने जो दाद होते हैं ठीक हो जाते हैं, क्रीमी हवा ठीक हो जाते हैं, काफ़ी आराम मिलता है। तो यही थे कुछ इसके गिने चुने फायदे, कुछ इसके फायदे हमें पते थे जो कि आप लोगों के साथ में जानकारी शेयर कर दिए। और अगर और भी कोई आप इसके आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं, आयुर्वेदिक फायदे जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके द्वारा बताई गई जानकारी हमारे चैनल पर आने वाले नेक्स्ट वीडियो में साझा की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।